अगर ऐसा है तो मुझे ही खुद को बेगुनाह साबित करने दे। चिकना, तुमने जानबूझकर पानी क्यों गिराया? तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने। देख कोको, जीजाजी का स्केच खराब हो गया, तो जीजाजी ने उससे भी अच्छा स्केच बना डाला। यहाँ पे चींटियां मंडराने लगी, तो मैंने उस पे पानी डाल दिया। कोकिला, देखो जो उलझन थी वो अपने आप सुलझ गई। पराग भाई की मेहनत रंग लाई, हमें कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। अब जब सब ठीक हो गया है तो जवा दे। हाँ काकी जी। जैसा आप कहें मोटा बाबू। इतनी जल्दी? हाँ बेटा, कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में सोचा घर में ही पार्टी मनाई जाए। आइए ना। जैसा आपने बोला था वैसा ही है। राशि, जाओ रसोड़े में और छुरी लेकर आ जाओ। प्लीज आइए, आके केक काटे। अरे तेरा, लेकिन मैं ये सब पर अब आ भी जाओ यार, तेरी वजह से तो हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिली है और इस खुशी में तुम्हारा केक काटना तो बनता है ना। नहीं मोटा भाई। हाँ काका, आइए ना प्लीज। एक्चुअली इस काम में गोपी ने मेरी बहुत मदद की और अहम दिख रहा कि जिद करने पर ही इस काम को करने के लिए तैयार हुआ। आओ दिख रहा। पापा लीजिए। पापा कोको, तू वहां क्या कर रही है? आगे आओ ना, जीजा जी तेरे बिना थोड़े ही केक काटेंगे। मॉम प्लीज आप भी आइए। आइए बाप। क्या जीजा जी, हमने तो कोको के मुकाबले आपके हाथ में तलवार पकड़ाई, पर आपने तो हथियार ही डाल दिए। अब मॉम आई। अहम, मैं ऐसे ही ठीक हूं। कोकिलो, तमें पढ़ाओ ना। कोको, इतना भाव क्यों खा रही है? अपना हाथ दीजिए। अहम। मॉम। Thank you.
अरे भाई इसमें पहला हक तुम्हारा है। समीर, पर इतना जल्दी मिलना मुश्किल है। ये आप क्या कर रही हैं जी? हम कितने लंबे समय से कंप्यूटर पे बात कर रहे हैं। और फिर इस जान पहचान को आगे बढ़ाने के लिए ही तो आप इंडिया आई हैं। फिर मिलने में इतना समय क्यों लगा रही हैं? पर समीर, अब तो मैं इंडिया आ गई हूँ ना, तो बाद में कभी। जिकी, हम दोनों शादी का फैसला लेने में पहले ही बहुत देर कर चुके हैं। और फिर उम्र भी हो रही है हमारी। उम्र नहीं, खैर तुम ऐसा सोचते होंगे, मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं तो अभी यंग हूँ। राशि, ये कपड़े जल्दी जल्दी छत पर सुखा देना, रसोड़े का काम भी बाकी है। मैं तुमसे मिलने के लिए अहमदाबाद से निकल चुका हूँ। और फिर तुम्हारी फैमिली से मिलना बहुत जरूरी है। ओके, मैं फोन। क्या? अरे मतलब हमारे मिलने तक तो ठीक था, लेकिन फैमिली से मिलने की क्या जरूरत? बिल्कुल तुम्हारी फैमिली से मिलना पड़ेगा, आफ्टर ऑल शादी की बात है यार। राशि, मेरी बात ध्यान रखना, वो छत के पास जो पानी की टंकी है उसी के बगल में खुली जगह है, बस वहां पर कपड़े सुखाना। ये सारे कपड़े पकड़ के छत के दूसरे छोर तक जाओ, ये ककड़ी भी ना। राशि, तुमने मुझे कुछ कहा? नहीं, नहीं तो। चल अवे, जल्दी जल्दी काम निपटाओ। नहीं, घर आने में रिस्क है, देखो। रिस्क? कैसी रिस्क? जिग्ना जी, मुझे आपके और अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। अभी जा राशि। समीर, आई विल कॉल यू बैक, ओके? देखो, यहाँ कपड़े सुखान है। अने हाँ, ध्यान रहे, जैसा मैंने कहा है वैसे ही सुखाना कपड़े, सिलवटे नहीं रहनी चाहिए। क्या हो रहा है कोको? हाय राशि डार्लिंग। तुम यहाँ छत पर क्या कर रही हो जिग्ना? क्यों, टेरिस पे आने के लिए वीजा पे स्टैंप लगवाना जरूरी है क्या? जिग्ना, मैंने तो बस यूं ही पूछा था, तुम सीधे प्रश्न का एकदम उल्टा जवाब क्यों देती हो? अच्छा, तो इसका सीधा जवाब यह है कि बस यूं ही मेरा मन किया खुली हवा में आने के लिए, इसलिए। तो ये जवाब पहले दे देती। आशु राशि, मैंने क्या कहा था तुमसे, कपड़े सुखाते वक्त सिलवटे नहीं पड़नी चाहिए। पता है क्यों? अगर सिलवटे रह गई तो वो जगह गीली रहती है। कृष्ण भगवान, अब देखो मैं करके दिखाती हूँ। इसे झटक दिया ताकि पानी जो बचा कुचा है वो निकल जाए, और अब ये सुखाया, समझ गई? दो वो मुझे, वहां सुखाती। अब ध्यान से सुखाना कपड़े। तो कोको, कल का केक कैसे लगा? Thank you.